अगर दोस्तों आप भी अपने मोबाइल फ़ोन के आइकन पैक को चेंज करना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये जो आइकन है डिफ़ॉल्ट आइकन है जो कंपनी साथ में डाल के देती है, वही आपको आइकन ये देखने को मिलेंगे। बट दोस्तों अगर मैं इस फ़ोन की बात करूँ तो यहाँ पर जो आइकन है मैंने चेंज करके रखे हुए हैं, ये काफ़ी अच्छे आइकन लग रहे हैं। अगर दोस्तों आप भी अपने फ़ोन में कुछ इस तरीके के आइकन को कस्टमाइज करना चाहते हो, चेंज करके रखना चाहते हो, तो बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। और इस वीडियो को देख के बाद आप भी अपने फोन के आइकन पैक को 100% चेंज कर पाओगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हो कि मैंने अपने फ़ोन के जो आइकन है बिल्कुल सिंपल कर दिए हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा जिससे दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फ़ोन के एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन दिखाई देगा थीम स्टोर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन में यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर होम पे हो सकता है तो आपको थीम वाली सेटिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फ्री थीम, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या होगा, बहुत सारी फ्री थीम्स ओपन हो जाएंगी जैसे कि आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी थीम पसंद आती लाइक किसी भी थीम के आइकन पैक को अप्लाई करना है। तो मान लो दोस्तों इस वाली थीम को आइकन जो है आपको पसंद आए हैं, ठीक है, तो इसको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, जिस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पे देखोगे आपकी जो थीम है अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो थीम है अप्लाई हो रही है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपको ये आइकन पैक पसंद नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है, पहले वाले आइकन आप कैसे लाओगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आपको पहले ध्यान से देखना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मेरे फोन के आइकन चेंज हो गए हैं, पहले बेसिक्स थे बट दोस्तों यहाँ पे थोड़े से एडवांस हो गए हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये आइकन पसंद नहीं आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी थीम्स मिल जाएगी जिनको दोस्तों आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। अब मान लो दोस्तों आपको पुराने वाले आइकन ही अप्लाई करने हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आप बैक आओगे कुछ इस तरीके से, इसके बाद मी पे जाओगे और मी पे जाने के बाद दोस्तों आपको माई सोर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डिफॉल्ट थीम मिल जाएगी, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से अप्लाई कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपके जो पुराने आइकन थे वही आ जाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें।